Assalamualaikum, आज इफ्तार स्पेशल में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। हम आपके साथ शेयर करेंगे दही के कबाब की रेसिपी। आप ये यूनिक सी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी होती है। चलते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। हमें चाहिए होगा दही 1 कप, लेकिन दही में से अच्छी तरह से पानी आपने निकाल लेना है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। प्याज हमें 1 चाहिए होगा, अदरक हमें 1/2 चम्मच, सब्ज़ मिर्च 1 चाहिए होगी, हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/8 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला हमें 1/4 टीस्पून चाहिए होगा, कॉर्नफ्लावर हमें चाहिए होगी 2 पोर्शन 1/2 और 1/4 कप, इसके साथ ही मेथी हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून, हमें सब्ज़ धनिया चाहिए होगा चॉप्ड और अच्छी तरह से धुला हुआ 2 चम्मच, और हमें वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है जी, आपने करना ये है कि जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का प्रेस कर देना है और साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद इफ्तार में कौन कौन सी मज़ेदार सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। हम आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। चलते हैं और देखते हैं हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। हमने तमाम अज्जा एक बाउल में इसे मिक्स कर लेना है, इसमें तमाम अज्जा डालनी है, लेकिन आपने इसमें ऑयल नहीं शामिल करना, और दूसरा आपने 1/4 कप जो कॉर्नफ्लोर था वो इसमें शामिल नहीं करना। बाकी तमाम अज्जा बाउल में शामिल करके एक अच्छा सा इनका मिक्सचर बना लेना है। जब अच्छा सा मिक्सचर और पेस्ट बन जाएगा तो फिर हमने क्या करना है जी, हमने करना यह है कि इन्हें अच्छी तरह से जब हमने कर लिया मिक्स, तो फिर हमने इसे डिवाइड करना है इक्वल पोर्शन में। और ये मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमने इसे डिवाइड कर लिया 9 से 10 इक्वल पोर्शन में, और इसके बाद हमने इनके अच्छे से कबाब की शक्ल में इसे दे लेना है। आप चाहे तो इसको गोल कबाब बना लें, या आपकी मर्जी है जैसी मर्जी शेप दे लें, वैसे कबाब की गोल शक्ल में ही अगर आप लें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के इसे गर्म करने के लिए रख दिया, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इससे में इसे कॉर्नफ्लोर जो हमने 1/4 कप छोड़ दिया था उसमें रोल करके कढ़ाई में डाल देंगे। तो हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से इनका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। प्लेट में टिश्यू पेपर रखेंगे और उनके ऊपर इसे रख के इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने इसे सर्व करने हैं। ऑनियन के रिंग्स आप ले लें और लेमन काट के, और साथ ही आप धनिया इसमें के साथ इसे अच्छा सा डेकोरेट करें, और सॉस या चटनी के साथ आप इसे इफ्तार में इंजॉय करें। आपको बहुत ही मज़ेदार से दही के कबाब इफ्तार में इंजॉय करें और इफ्तार में शामिल करें मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे यकीन है आपको हमारी ये नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो जल्दी जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। हम आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं।